यकीनन आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने जो है वो देखा था हमने कि हमने क्या जो है वो पढ़ा था रिवीजन। आज हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था जो हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था द होल नंबर के बाद वो पढ़ा था हमने एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। ठीक है, एडिशन सबट्रैक्शन यानी प्लस एंड माइनस। तो हमने इसकी एक्सरसाइज की थी पेज नंबर 28 पर, ये वाली एक्सरसाइज जिसमें आपको प्लस करना था, नंबर्स आपको दिए हुए थे इनको प्लस करके आपने नीचे लिखना था। तो यह काम आप अच्छी तरीके से, मुझे पता है आप लोगों को आता है, तो इसी तरीके से ये हमने पेश किया था इसका पेज नंबर 29। इसके बाद पेज नंबर 31 और देन पेज नंबर 32। तो ये क्या था, प्लस के भी सवाल में क्वेश्चन थे और सब्ट्रैक्शन के भी यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों टॉपिक हमने इसमें कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये सारा काम किया होगा। देन इसके बाद जो हमने जो लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो किया था हमने मनी यानी पैसों का। यहाँ नोट दिए हुए, अभी सबको ईद ही मिली होगी ना, ईद पर सब सबके पास इतने बड़े नोट होंगे। ठीक है, तो ये हमने किया था यहाँ जो उसका पेज नंबर 98 पे पहला था क्वेश्चन कि ये आपको पैसे रुपए दिए हुए पैसे। ठीक है, आपको नोट दिखाई दे रहे हैं, 100 का नोट है, 1000 का, दोनों को प्लस करेंगे तो कितने बनेंगे। तो आप लोगों को ईदी तो मिली होगी, किसी को 1000, किसी को 1000, किसी को 5000, किसी को 100, 500, यानी मुख्तलिफ आपके जो है चाचा मामा ताई या खाला ने सब ने दिए होंगे। तो सबको आपने काउंट तो किया होगा, तो ये किसी तो ये आपको काम जिसने नहीं किया उसको आता ही वो कर लेगा ईजीली। उनको काउंट करके यहाँ पर लिखना था, यहाँ पे लिखना था कि कितने जो है वो इसमें क्वेश्चन दिए हुए थे तो उनके आंसर देने थे। एंड देन इसके बाद पेज नंबर 102 पर और 103 पर इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे प्लस एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। जैसे हमने पीछे किया था एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसी तरीके से ये भी एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम वैसे ही है। ठीक है, तो आपने ये काम अगर नहीं किया तो जल्दी से इसे कम्प्लीट कर लें और फिर हम ताकि हम नेक्स्ट काम अपना कर चुके थे। इतना ही काम हमने अब तक किया था अपना जो है वो पिछले जो हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो नेक्स्ट काम हम अब मंडे से करेंगे। ओके स्टूडेंट, जिनको काम अगर चाहिए होगा तो वो स्कूल से जो है वो आके पूछ सकते हैं। तो देन आपको इतना ही वर्क है, आप इजीली अपने खुद भी कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।